हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपको गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, मींस हमें पहले जो है एक लाइन खींचनी होगी जो कि ए बी मानूंगी पहले, ठीक होगा, और एक लाइन खींचनी होगी सी डी, ठीक है, और ये दोनों लाइनें आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ये कंडीशन तो क्लियर हो गई। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, उसने कहा है कि लत्तूज के लाइन ये ई एफ है आपका और ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, मतलब हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ पर आपको ई गिवन है, यहाँ पे एफ गिवन है, ठीक है। इस फिगर में आप लोगों को जो है एक चीज और गिवन है, देखिएगा कौन सी चीज गिवन है, वो है जी ई। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको एक लाइन और खींचना है इस तरीके से, तो ये बन जाए इस तरह स्ट्रेट है ना बेटा, इस तरीके से, हालांकि कुछ लैपिंग नहीं है बीच में, आप अच्छे तरीके से फिगर बना लेना, ये जी हो गया आपका, ठीक है। तो ये एंगल जो है इसमें गिवन है, देखिएगा एट एंगल जी ई डी 126 जी ई डी, यानी कि यहाँ से देख के यहाँ तक पूरा एंगल आपके पास है 126 डिग्री, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, देखो क्या है वो चीज, तो फाइंड आउट हम लिखेंगे बाद में। देखिए इसमें क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, मींस आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा आपका कौन सा बेटा, एफ ई डी, है ना, इसे आप गिवन में भी लिख सकते थे, एफ ई डी इज इक्वल टू होगा एफ ई सी के, नहीं होगा बेटा, दिमाग लगाइएगा, है ना, एफ ई सी के बराबर होगा, बराबर होगा 90 डिग्री, इसके हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। वैसे 90 का मार्क गिवन है, हमें भूलना नहीं है आप लोगों को, गिवन है 90 का मतलब गिवन होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा टू प्रूफ, ठीक है, सॉरी टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है ये देखना होगा। फाइंड में हमें तीन एंगल इसमें फाइंड आउट करने हैं, पहले का नाम है ए जी ई, एक तो आपको ये निकाल के दिखाना है, एक एंगल निकाल के दिखाना है जी ई एफ, ये निकाल के दिखाना है, और एक एंगल आपको निकालना है एफ जी ई, ठीक है बेटा, ये तीन एंगल हमें निकालना है, ठीक है। देखिए एक एंगल तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहले आप लिख लीजिएगा जी ई डी, कितना गिवन है बताइए मुझे फटाफट, बुक में देखिएगा, बोर्ड पे देखिए, गिवन में देखो, कहीं देखो, मुझे बताइए कि जी ई डी कितना दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है। क्या ये अकेला एंगल है, दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, देखिएगा जी ई डी यहां से स्टार्ट हुआ है जी ई डी, ये आपका दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है, एक एंगल का नाम है जी ई एफ जो कि आपको निकालना भी है, जी ई एफ प्लस एक एंगल होगा ये वाला, है ना बेटा, देखो एक एंगल हमने ये ले लिया जी ई एफ, एक ले लेते हैं ये वाला डी ई एफ, क्या ले लेते हैं बेटा डी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 126 डिग्री। आप डी ई एफ को कह सकते हैं, एफ ई डी भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा, ई बीच में रहना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना था, ओके क्लियर हुआ। अब हमें देखिए ये निकालना था, देखो हमारे पास जी एफ आ जाएगा निकल के, क्योंकि ये हमें निकालना है और ये हमें गिवन है, बताओ कितना गिवन है, बुक में देख लीजिएगा, बुक में भी गिवन है, ऐसे करके 90 दिया हुआ है, अगर ये ऐसे है तो ये 90 डिग्री माना जाएगा, ठीक है बेटा। और वैसे भी मैंने लिख दिया था शुरू में ही कि आप लोगों को जो एफ ई डी है वो एफ ई सी के बराबर टोटल है 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर हम इसको 90 पुट करेंगे 126, ठीक है बेटा, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो आप देखिएगा ध्यान लगा के जी ई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 126 माइनस क्या हो जाएगा 90, है ना बेटा। तो बताइए कितनी वैल्यू आ गई बेटा जी ई एफ की, जी ई एफ टोटल सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 36, तो एक वैल्यू तो आपने निकाल, ठीक है। चलिए और देखो क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है ए जी ई, क्या निकालना है ए जी ई, इतना नोट कर लीजिए पहले, आप देखो आप ए जी निकालेंगे, देखो हालांकि आपको ये पता है कि देखो ए जी यहाँ है, देखो ये हमारा ए जी और फिर ये हमारा ई और फिर तरीके से पूरा जेड बन गया, तो आप देखिएगा हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो आपका ए बी है वो पैरेलल है किसके बेटा सी डी के, तो जब पैरेलल हो जाता है तो वहां पे कुछ चीजें हम लोग बराबर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हो तो उन्हें बराबर कर सकते हैं, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर सकते हैं, को इंटीरियर एंगल को 180 कर सकते हैं, तो इसी माध्यम से होगा और कोई माध्यम नहीं है इनको करने का, ठीक है बेटा। तो आप देखो यहाँ पर जेड बन रहा है ना बेटा, देखो बन रहा है जेड, तो जेड का मतलब है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए,
जैसे ये जैद बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो हमें पहले गिवन है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो मींस ये आपस में पैरेलल होंगे, होंगे नहीं होंगे ना दोनों, तो आप लिखेंगे कि जो आपका इसलिए यहाँ पर आएगा, इसलिए ACE एंगल ACE बराबर होगा किसके बेटा, GED के। देख लीजिए खूब दिमाग लगा के आराम से अगर आपको लग रहा है, और ये एंगल होंगे आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, या तो आप अल्टरनेटिव एंगल लिख लीजिएगा या लिख लीजिएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। कोशिश करिए बेटा समझने की, डरोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हुआ हुआ सवाल आपको समझ में नहीं आने वाला फिर, ठीक है। तो देखिए यहां से वैसे गए, फिर नीचे को गए, फिर ऐसे करके जेड बन गया। तो जो जेड बना रही है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तभी जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव एंगल को बराबर कर सकते हैं। और ये जो एंगल है ये हमें निकालना था AGE, ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी GED पहले दे रखा था, GED कितना दे रखा था आपको 126 डिग्री, इसी के साथ आपका एंगल नंबर 2 भी निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, ये निकालना है FGE। अब देखना कि FGE कहाँ है, देखिए FGE यहाँ है, तो ये तो बेटा आपका देखो लीनियर पेयर से बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ऐसे करके लीनियर पेयर, तो ध्यान रखना है लीनियर पेयर कहाँ लगाना है, अल्टरनेटिव कहाँ लगाना है। लीनियर पेयर के लिए पैरेलल होना जरूरी नहीं है, उसके लिए बस एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए और वहां से ऐसे करके एंगल जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख देना एंगल ACE, क्या लिख देना बेटा, एंगल ACE प्लस ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो इसे लिखेंगे FGE, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल FGE बराबर जो होगा टोटल होगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझना रहना आप लोगों को, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं इस फिगर को आप हटा देते हैं और सोल्व कर देते हैं, ठीक है बेटा। देखिएगा अब आपके पास AGE ऑलरेडी आ चुका है ना, AGE कितना चुका है 126, तो यहाँ पर आप 126 लिख लेंगे और बस अब इसको आप 180 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो FGE की वैल्यू आएगी 180 माइनस 126, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा कितना बेटा, टोटल इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा इसमें 54, कितना आएगा आपका 54 डिग्री आंसर आएगा। तीनों आंसर आपके आगे नहीं आगे बेटा, एक आंसर आ गया आपका 126, एक आ गया 54 और एक कितना था थोड़ी देर पहले 36, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।